एवरीवन, तो आप सब लोग कैसे हो? हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हमारे पड़ोस में एक आंटी का छठ पूजा है, तो उन्होंने हमें प्रसाद खाने के लिए बुलाया, तो वहाँ चलते हैं और आपको वहीं चलकर दिखाते हैं, ठीक है? बुआ नमस्ते करेंगी। तो ये देखिए, ये आंटी इनको तिलक लगा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे भोजन नहीं, प्रसाद ग्रहण कर रही है। आंटी देखिए, यहाँ पे बना रही है खसरा। क्या है इसका नाम? रुक जा, देख के बताते हो। और मैं इस वाले से नाम देखती। आंटी बता देंगी ना। आंटी आप बताओ ना, आज क्या है? आज क्या है, मतलब मेन क्या है? खरना है। खरना खरना खाए तो आज खाना खाना था, खरना आज छठ का खरना है। आंटी के यहाँ पे छठ मनती है और इन आंटी के यहाँ पे छठ मनती है। देखिए, ये आंटी ठेकुआ बनेगा। बताइए, कल तीसरा दिन है, कोई ठेकुआ बनेगा जो मेरे को बहुत पसंद है, वही चाहिए। देखो ये देखिए, इन आंटी ने मेरा भी टीका लगाया है और ये देखिए सही लगा रही है अभी। तो आप बताइए आंटी, कुछ छठ के बारे में बताइए। ये आंटी सोच रही है अभी, छठ के बारे में बताओ कुछ। छठ के बारे में बताएंगे हम लोग को, दीपावली के चौथे दिन नहाना खाना होता है, लौका का सब्जी बनता है, चने के दाल बनते हैं, चावल बनते हैं, फिर दूसरे दिन खरना होता है। मंजू क्या खाएगी? क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, हमें भी नहीं पता। तीसरे दिन पहले अलग दिन में ठेकुआ बांधते हैं, शाम को घाट पे जाते हैं, अच्छा चौथे दिन। और हम घाट पे जाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे भी घाट पे जाके। हमें घाट पे जाके आ जाते हैं, खत्म। कल है मेन, है ना? हाँ, कल मेन कल है छठ। मेरी बहन के लिए भी हटा दे दो। ये देखिए आंटी, इनका घर, हम इनके घर आए हैं। देखिए यहाँ पे ये पूजा हो रखी है, आप सब भी यहाँ पे आरती ले लीजिए। ये देखिए माही, ये धानी। हेलो करो, आप तो हेलो करती नहीं अपने आप से कभी, आप बोला करो हेलो। देखो जैसे ये करती है दीदी, हेलो। अब ये लोग क्या कहेंगे कि ये बेबी तो हेलो ही नहीं करता। इन प्रसाद ये होता है गुड़ की खीर और रोटी। तेरी मम्मी बिहारी साथ रह के खाना सीख गई ना? हाँ सीख गई है, साधना को ही सिखा दे। तो प्रसाद तो अच्छा होता है, लेना चाहिए। तो ये देखिए गुड़ का प्रसाद। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे ये आंटी ठेकुआ बना रही है। आंटी आप ये बताइए, किन चीजों से बनते हैं ये? किस चीज से बनते हैं ये? हाँ, मैदा से बनती है, चीनी लगते हैं, सूजी लगते हैं, और लगते हैं। और मतलब ये प्रसाद होता है आज का मेन? आज की प्रसाद ये जाता में पिसाता है, जाता में पिसाता है, गेहूं बिनाता है। देखिए वो आंटी बना रही है और ये आंटी इसको सेक रही है। अरे देखिए कितने गाइस, इन्होंने बना दिया पहले ही, कितना बड़ा डब्बा है साइड में देखो। और ये डब्बा के नीचे भी रखा है आंटी। डब्बे के नीचे चला गया। और देखिए ना, ये आंटी मेरे चक्कर में दोबारा बना रही, क्योंकि मैं लेट हो गई थोड़ी आने में, तो इन्होंने देखो दोबारा बनाया है। आंटी आप भी बोलो, इधर इधर देखो, इधर बोलो कुछ। क्या बोलो? आप सभी को हैप्पी छठ कह दो, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आंटी को शर्म आ रही है। छठ पूजा के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, कोई आना घाट पे पूजा करने, देखने के लिए। हाँ, और आपको शाम को भी दिखाएंगे घाट पे ले जाके। शाम को आना घाट पे देखना। और कैसे कैसे बिहार का लोग पूजा करते हैं, बिहारी लोग कैसे छठ मनाते हैं, देखना। और ये बहुत कठिन होती है ना, ये 3 दिन 4 दिन का व्रत होता है, बहुत कठिन। सबसे कठिन व्रत यही है। इसमें पानी भी नहीं पीते? कुछ नहीं। गाइस देख लो, हमारे में तो फिर भी पानी पी लेते हैं, 1 दिन का व्रत हो उसमें भी पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं। और ये देखिए हम, और मतलब ये है जैसे फल फ्रूट खा लेते हैं, उसमें कुछ नहीं खाया जाता ना, ये है वही। तो हमारे में तो है कि फल फ्रूट खा लिया, ये सबसे कठिन व्रत होता है। सबसे कठिन व्रत यही है, लोग कहाँ कहाँ से अपने गांव बिहार पहुंच गए हैं छठ पूजा में, साल भर यहाँ रहता है परदेश में,
तो देखिए गाइस आंटी बना रही है। आंटी क्या बना रहे हो ये मुझे तो पता नहीं, बता। ये चावल का पीस के आटा हाँ? बना के उसका लड्डू बना रहे हैं। मतलब ये भी प्रसादी क्या होता है? कचवनिया। अच्छा देखिए गाइस ये ऐसे लड्डू बनते हैं और ये भी प्रसाद में चढ़ते हैं। इसमें मतलब क्या क्या डलता है? इसमें गुड़ डलाया है। हाँ आटा है बस, मतलब गुड़ और आटा मेन। मतलब इसमें मेन ये घर में बनाए हुए प्रसाद चढ़ते हैं, जैसे हमारे में होता है क्या हलवाई से लिया है, यहाँ मेन घर में बनते हैं। ये सारा चीज प्रसाद घर का ही चढ़ते हैं, फल फ्रूट भले खरीदा है। और ये देखिए यहाँ पे आंटी ने यहाँ पे पूजा भी कर रखी है। ये छठ माता होती है, ये देखिए गाइस, और आप भी पैर छू लीजिए उनके। ये देखिए हमारी आंटी जी लगाए नहीं, भी चेक कर रही है कि क्या क्या प्रसाद है क्या नहीं है, क्या करना है ले जाना है आज। इसमें क्या ये देखिए आंटी, और ये देखिए यहाँ पे छठ माता की चल रही है। जी जिसको ये समझ आते हैं ना गाने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये सूखे नारियल ले आनी हो? हाँ 30 रुपया के 35 आ देती हो मम्मी? ये अंकल देती है ऐसे 35 रुपया के नारियल। ये हमारी आंटी को साड़ी मिली है, उसने अभी चेक कर रही है आंटी क्या क्या है क्या नहीं है। हम रास्ता में हम गलत हो गए।